की भूमि से अवैध निर्माण हटाए जाने के बाद बेघर हुए कुष्ठ रोगियों को डेढ़ साल बाद आशियाने मिल गए हैं। डेढ़ साल कुष्ठ रोगी गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम में खुले आसमान के नीचे समय गुजारने को विवश थे, लेकिन जिला प्रशासन ने पहल करते हुए कुष्ठ रोगियों के करीब 20 परिवारों को बसाने के लिए लगभग 3 कनाल भूमि आवंटित की थी। इस भूमि पर विभिन्न विभागों के सहयोग से कुष्ठ रोगियों के लिए प्री फैब्रिकेटेड ढांचे से रहने की व्यवस्था की गई है। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हाईकोर्ट के आदेशों के बाद रेलवे की भूमि में बनाए गए 7 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था, जिसमें 4 मंदिर, 1 गौशाला, 1 सरकारी स्कूल और 1 कुष्ठ आश्रम शामिल थे। अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कुष्ठ आश्रम का ही हुआ था, क्योंकि इस आश्रम में 20 के करीब परिवार रह रहे थे, जिससे ये सभी परिवार सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। ना ही इन्हें बिजली की कोई व्यवस्था थी, ना ही पानी की। लेकिन IAS अधिकारी राकेश प्रजापति द्वारा ऊना में बताओ DC का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही कुष्ठ रोगियों को छत मुहैया करवाने की दिशा में विशेष कदम उठाने शुरू कर दिए थे। DC राकेश प्रजापति ने कोटला खुर्द के समीप कुष्ठ आश्रम के लिए भूमि आवंटित की और विभिन्न विभागों के सहयोग से करीब 45 लाख की लागत से कुष्ठ रोगियों के लिए प्री फैब्रिकेटेड ढांचा तैयार करवाया। इस ढांचे में कुष्ठ रोगियों के लिए 20 कमरे बनाए गए, जबकि इसके साथ ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। कोटला खुर्द में तैयार छिन्नमस्तिका कुष्ठ आश्रम स्थल का आज पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उद्घाटन किया। वीरेंद्र कंवर ने कुष्ठ रोगियों को पेश आने वाली अन्य समस्याओं को भी शीघ्र दूर करने का आश्वासन दिया। डेढ़ वर्ष पूर्व रेलवे विभाग द्वारा जो थी वो कार्रवाई की और इनके जो थे वो आश्रय जो थे वहाँ से तोड़ दिए थे। सरकार बनते ही हमने इसको प्राथमिकता के ऊपर लिया, हमने उसमें भी इनको आश्वासन दिया था और जो है वो इनको जो है वो ये आज आश्रय बन करके जो वो तैयार हो रहे हैं और उनकी जो समस्या है हमने उसका समाधान किया है। तो मैं इसके लिए जहां विभाग और जिलाधीश महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो है वो हमें इसके लिए प्रेरित किया और इसका जो है वो हमने इसको प्राथमिकता के ऊपर जो है वो इनको जो है वो दिए हैं। और हमने ये टारगेट रखा था कि बरसात से पहले पहले जो है वो हम इनको जो है वो ये आश्रय बना करके जो है वो देंगे और जो भी यहाँ पर उनको जो कमी लगेगी हम उस कमी को भी जो है वो पूरा करेंगे। वही DC ऊना राकेश प्रजापति ने बताया कि जिला में सरकारी स्तर पर पहली बार प्री फैब्रिकेटेड ढांचा बनाया गया है। DC ऊना ने बताया कि कुष्ठ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के अलावा कई विभागों ने सहयोग किया है। आज जैसा कि आपने देखा कि माननीय RD मिनिस्टर के माध्यम से जो छिन्नमस्तिका कुष्ठ आश्रम है उसका आज इनॉग्रेशन किया गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऊना जिले में प्री फैब्रिकेटेड बनाया गया है और इस पर कुल लागत लगभग 45 लाख रुपए की आई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह के प्रायोजन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, खास करके हमारा जो चिंतपूर्णी टेम्पल ट्रस्ट है उनके माध्यम से और हमारा जो SDP का फंड है उसके माध्यम से और जो MLA लैड का फंड है उसके माध्यम से, तो सभी के कॉन्ट्रीब्यूशन से आज ही आशियाना कुष्ठ आश्रम को मिला है। वहीं आज आशियाने मिलने के बाद कुष्ठ रोगियों के चेहरे खिल उठे हैं। कुष्ठ रोगी ने कहा कि घर टूटने के बाद से वो खुले आसमान के नीचे ही समय बिताने को मजबूर थे, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने उनके लिए आशियाने बनाकर तैयार कर दिए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा पुराना आश्रम जो रेलवे की भूमि में होने के कारण रेलवे विभाग ने 21 सितंबर 2017 को तोड़ दिया था और ये डेढ़ साल हम लोग बहुत मुश्किलों से और बहुत मतलब दिक्कतों से गुजारे, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी कहेंगे कि वो हमको बहुत बढ़िया आशियाना बना के दिया और कुष्ठ आश्रम परिवार, जिला प्रशासन और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और बहुत बहुत आभार। सर जी, हमको डेढ़ साल पहले हमारा रेलवे जमीन में बैठे थे हमारा कुष्ठ आश्रम सोसाइटी, तो उन्होंने रेलवे कारण से हमारा मकान को गिरा दिया गया। अब डेढ़ साल में हम झुग्गी झोपड़ी में गुजार रहे थे, मोमबत्ती में रात कटा रहे थे, कमेटी पानी से पी के रहते थे, ना बत्ती ना पानी का जुगाड़ नहीं थी। अभी सरकार हमारा प्रशासन का बहुत आवरी कि हम उनको शुक्र गुजार हूँ कि हमको मकान बना के दिए, जमीन ने दिला दिए, हम सारे कुष्ठ आश्रम वाले हम बहुत बहुत सरकार का शुक्र गुजार हूँ कि